हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम के बारे में। ये तो आपने आजकल न्यूज़ में बहुत देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बिहार में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो चुकी है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम के बारे में, ये क्या होता है, इसके कॉज क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको यूज़ करके आप इस डिजीज़ से बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम क्या होता है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब फैलने वाली बीमारी है। अगर एक पर्सन को होगी तो दूसरों को भी होने लग जाएगी। ज़्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है, 6 महीने से लेकर 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जो ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, जो दिमाग होता है बच्चों का उसमें सूजन होने लग जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी होने लग जाती है। इसका कॉज ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि ये वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस की वजह से होती है। जो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इसके 2 टाइप होते हैं, 6 और 7। कुछ केसेस में आप कह सकते हैं बैक्टीरियाज भी रिस्पॉन्सिबल है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी ये हो सकता है, बट ज़्यादातर इसको वायरल डिजीज़ आप मान सकते हैं। अब मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम बता देती हूँ, मतलब क्या क्या सिम्टम्स आएंगे बच्चे में जिसको ये डिजीज़ हो जाती है। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है फीवर आना। बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होगा, बच्चे में हेडेक की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा बच्चे के सर में दर्द होगा, साथ ही साथ बच्चा बहुत ही कंफ्यूज्ड होगा, मतलब कंफ्यूजन में होगा। अगर आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो ढंग से आंसर नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही साथ बच्चे को कन्वल्जन आने लग जाएंगे, मतलब बच्चे की बॉडी अचानक से हिलने लग जाएगी, आप कह सकते हैं कि चमकने लग जाएगी, इसलिए इसको चमकी बुखार भी कहते हैं। बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा, बच्चे की डाइट एकदम पुअर हो जाएगी, मतलब बिल्कुल भी वो खाना अच्छे से नहीं खाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी बच्चे में आते हैं, जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने लग जाता है, किसी भी बात का अच्छे से आंसर नहीं दे पाता। बच्चे को स्टिफ नेक की प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चे के गले में स्टिफनेस हो जाती है क्योंकि जो मेनिंजीज होता है, जो ब्रेन की कवरिंग है, उसमें इरिटेशन होने लग जाती है। इसके वजह से बच्चे को स्टिफ नेक की प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जिससे आप इस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी बताऊंगी। प्रिवेंटिव मेडिसिन उन लोगों के लिए जिनको अब तक ये बीमारी नहीं हुई है लेकिन उनके आसपास ये बीमारी फैली हुई है, बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, तो आप ये मेडिसिन यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन जो आप एनसेफेलाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है वेरुलिनम 200 पोटेंसी। इसको आपको दिन में एक ही बार लेना है, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग के ऊपर। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको 1 ड्रॉप लेनी है, और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आपको इसे 2 ड्रॉप लेना होगा। ये मेडिसिन को आपको एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करना है। अगर आपको कोई सिम्टम अब तक नहीं आए हैं, आपको ये डिजीज़ नहीं लगी है लेकिन आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे बीमारी फैली हुई है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इन्फ्लुएंजिनम यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजिनम आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। ये मेडिसिन आपको दिन में एक बार लेना है, 2 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको 1 ड्रॉप देनी है, और 1 साल से बड़ा है तो आपको 2 ड्रॉप देनी है। इन मेडिसिन को आपको प्रिवेंटिव मेजर के तरह यूज़ करना है। अब मैं आपको मेडिसिन बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिनको एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम हो चुका है। फर्स्ट मेडिसिन जो इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी में लेना है। इसको आपको दिन में 2 बार लेना है, 3 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ही ज़्यादा फीवर है, मतलब हाई ग्रेड फीवर हो चुका है, साथ ही साथ बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, तो उनके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। बच्चा बहुत ज़्यादा ड्राउजी है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं, अगर आप उसको कुछ पूछेंगे तो वो अच्छे से आंसर नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ बच्चे में चिलीनेस है, शेकिंग है, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा शिवरिंग है, बच्चे की बॉडी कांप रही है, तो आप ये मेडिसिन उनको दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चे को वाटरी डिस्चार्ज है, नोज से है, आइज से है, आइज की जो लिड्स है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी होगी, सो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम की बीमारी हो चुकी है। नेक्स्ट मेडिसिन है वेरुलिनम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है, अगर आपको नहीं हुई है लेकिन आपके एरिया में बीमारी फैली हुई है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, और अगर हो चुकी है तो भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में सिर्फ एक ही बार, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग के ऊपर। ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है, बहुत तेज़ बुखार है, साथ ही साथ बच्चा कन्फ्यूज है, मेंटली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं किसी बात का आंसर अच्छे से नहीं देगा, ड्राउजी बच्चा है, बहुत ज़्यादा उसको चिलीनेस है बॉडी में,
बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, उसको कन्वर्जन आ रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो एनसेफेलाइटिस के लिए बहुत यूज़फुल है वो है यूपेटोरियम परफोरेटम। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 2 बार 3 ड्रॉप डायरेक्ट लेपरटम के ऊपर। ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए जिनको हाई ग्रेड फीवर की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, ड्राउजी है बच्चा, किसी बात का आंसर अच्छे से नहीं दे पा रहा। आप कह सकते हैं कि बच्चे की डाइट एकदम पुअर हो चुकी है, बच्चा खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहा है, उसको डिस्चार्ज हो रहे हैं नोज से और आईज से, और आईज में बहुत ज़्यादा रेडनेस है, स्वेलिंग है। अगर ये सारे सिम्टम मैच करते हैं तो आप ये मेडिसिन उन बच्चों को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक्यूट एनसेफेलाइटिस की होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर ये बीमारी हो चुकी है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, और अगर नहीं हुई है लेकिन उस एरिया में आप रहते हैं जहाँ पर ये डिजीज़ है, तो उसकी मैं आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन बता चुकी हूँ। होप आपको एक्यूट एनसेफेलाइटिक सिंड्रोम काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, आपको इसके कॉज समझ में आ गए होंगे, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।